बने हुए हैं। मेष राशि वालों के लिए हानि स्थान पर मंगल चतुर्थ मंगल जिन जिन चीजों का कारक होता है उसमें हानि होगी, जैसे मकान भवन है, वाहन है, ये जमीन है, भूमि है, कृषि है और माइनिंग है और भाई है, रक्त विकार है, इन सब चीज़ों के मंगल कारक होते हैं। तो अब इसमें हानि होगी। जो तांबे के व्यापारी हैं उनके लिए धातु संबंधी हानि होगी, उनका व्यापार में थोड़ा नुकसान होगा। और जो जमीन का काम कर रहे हैं, भूमि से जुड़े हुए लोग हैं, जो किसान लोग हैं, किसानों के लिए भी तो एक आंदोलन का कारण बना हुआ है, यानी भूमि में असंतोष फैला हुआ है, असंतोष, क्योंकि मंगल इस समय बाल में चल रहे हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर ये इस समय किसान आंदोलन भी चल रहे हैं। यही कारण है कि मंगल ये सब करा रहे हैं। और ये मंगल माइनिंग के कार्यों में भी हानिकारक बने हुए हैं, जो कोयले की खदान का मतलब खदान का काम कर रहे हैं, गिट्टी का जो प्रेशर का काम कर रहे हैं, क्रेशर का काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये हानिकारक समय है, उनके लिए इस फायदेमंद नहीं है। और जो जमीन बेचना खरीदना कर रहे हैं उनके लिए, देने वाले और देने वाले दोनों के लिए शुभ नहीं है। इस प्रकार से मंगल आपका जो है ठीक नहीं चल रहा, इस समय आपको ये रुकावट कर देना चाहिए। साथ साथ में गुरुदेव जो है वो आपकी राशि से दसवें हैं, कर्म स्थान पे चल रहे हैं, इसलिए आपके धन में कुटुंब में एक संपन्नता और स्थायित्व बना रहे हैं। ये अच्छा काम कर रहे हैं गुरुदेव, वो आपके धन संपत्ति को सुरक्षित रखा रहे हैं, भूमि भवन वाहन ऐसो आराम सुख सुविधाओं में एकदम इष्ट मित्र इन सबको फल देने वाले हैं, माता को सुखद वातावरण दे रहे हैं, माता का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे हैं, स्वभाव भी अच्छा बना रहे हैं। साथ साथ में रोग शत्रुओं का विनाश कर रहे हैं, जो आपके रोग बने हुए हैं वो पुराने रोगों को समाप्त करके और एक अच्छा स्थान बना रहे हैं, कर्ज से मुक्ति दिला रहे हैं मंगल देव। मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह कर्ज से मुक्ति का बहुत अच्छा जाने वाला है। और शनिदेव जो है आपकी राशि से दशम चल रहे हैं, हानि कर रहे हैं, विशेष करके लोहा मशीन में आप खरीदा खरीदी कर रहे हैं तो उसमें बड़ी हानि की संभावना मुझे दिख रही है। और आपके जो है सो विदेश यात्रा चलते बनते बनते रुक रही है, इसमें भी जो थोड़ा थोड़ा परेशानी आ सकती है। आपके जो है सो शांति भंग किए हुए हैं, सुख में बाधा पहुंच रही है, जहां आपको सुख के स्थान है वहां पर कुछ ना कुछ परेशानियां चल रही हैं, पत्नी को दैनिक आय को इसमें परेशानी चल रही है, इस प्रकार से शनिदेव कोई अच्छा कार्य नहीं करा रहे। और राहु देव क्या कर रहे हैं, राहु देव आपकी राशि किसी दूसरे स्थान पर चल रहे हैं, दूसरे स्थान के राहु द्वितीय राहु जो है सो आपके वाणी में कटुता का वातावरण बना रखे हैं, आप जो बोलते हैं उसमें कुछ कलात्मकता जरूर रहती है, उसमें व्यंग बाण ज़्यादा चल रहे हैं और आपके दाहिने नेत्र में कुछ तकलीफ भी आ सकती है, इस तरह से राहुदेव आपका जो है सो शोषण कर रहे हैं। साथ साथ में शत्रुओं का विनाश करने वाले भी हैं राहु, रोगों का विनाश भी कर रहे हैं, शत्रुओं का विनाश भी कर रहे हैं, लेकिन मामा की तरफ से आपको मामा के यहाँ नुकसान का संभावना भी दिख रही है। साथ साथ में कर्म क्षेत्र में विशेष उन्नति है, पिता के लिए स्वास्थ्य वर्धक है, पिता की सेवा करने वाले होंगे, सेवा अच्छी मिल रही है पिता को। और उनके आपके कर्म स्थान में भी जो नौकरी छूट गई थी, नौकरी मिलने के आसार दिख रहे हैं, इस समय मेष राशि वालों को नौकरी के अच्छे इस सप्ताह में चांस मिलने वाले हैं। मंगल देव हो गए, सूर्य देव जो है आपकी राशि से आठवें चल रहे हैं, बहुत सावधानी से वाहन चलाना, इस समय टकराहट घबराहट से चिंता हो सकती है, कहीं नुकसान हो सकता है, आप जैसो थोड़ा व्यसनों से सावधान रहना, व्यसनों की तरफ आपको ये सूर्य ले जा रहा है इसमें इस सप्ताह में, इसलिए उनसे थोड़ा अवॉइड करना तो अच्छा है। और बुध देव भी और केतु बुध आपके इस समय आठ में चल रहे हैं, वो भी आपके लिए ठीक नहीं है,
बुध जो है व्यापार में हानि पहुंचा रहे हैं, जो बिजनेस आपका चल रहा था उसमें थोड़ी रुकावट आ गई है और नुकसान की संभावना दिख रही है। साथ साथ में आपके जो है सो अचानक जो है सो कुछ दुर्घटना का कारण बन सकता है। केतु और सूर्य दोनों आठवें स्थान पर, ये दुर्घटना कराने वाले होते हैं। इस सप्ताह आपको वाहन से विशेष विशेष सावधान रहना चाहिए, किसी से विवाद हो उससे भी सावधान रहना चाहिए, ये सजेस्ट मैं आपको कर रहा हूँ। साथ साथ में चंद्रदेव की स्थिति बहुत ही जो है सो निकट है। इस समय चंद्रदेव आपकी राशि से चतुर्थ स्थान पर चल रहे हैं, तो पहला दिन जो सप्ताह का है वो सप्ताह 6 तारीख है। 6 तारीख को चंद्रदेव आपके लिए ठीक नहीं है, उस दिन चंद्रमा चौथे हैं, आपको कलहकारी वातावरण बन सकता है और नुकसान हो सकता है। मन मलिन रहेगा, मन में कुछ घबराहट सी होगी और मन अशांत चित्त उद्विग्न रहेगा। और 7 और 8 तारीख को यही चंद्रदेव आपके लिए बहुत आद्या चंद्र श्रीया 9 में हो जाएंगे, भाग्य वृद्धि में पहुंचेंगे, पंचम हो जाएंगे, पंचमे ज्ञान वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि कराएंगे। 6 और 7 तारीख ज्ञान के लिए बहुत ही अच्छे है, जो स्टूडेंट है पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत उत्तम सप्ताह जाने वाला है। पढ़ाई में मन लगेगा, जो चीज़ याद नहीं आ रही थी वो याद, बुद्धि आपकी विशेष कार्य करने लगेगी। और उसके बाद में संतान जीवन भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, खटास जो चल रही थी वो दूर हो जाएगी। और 9 और 10 तारीख को यही चंद्रदेव आपके जो है सो दसवें हो गए, दसवें कर्म इष्टतम कर्म स्थान पर जाएंगे, इसलिए कर्म आप जो करेंगे, जो भी कार्य करेंगे उसकी प्रशंसा होगी, लोग प्रशंसा करेंगे, और धैर्य से आप कार्य करेंगे तो और भी उत्तम फल देने वाले होंगे। साथ साथ पिता का सहयोग आपके कार्य में भरपूर रहेगा और उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा आपको भरपूर रहेगी, आपका आपको पिता के प्रति स्नेह भी भरपूर रहेगा। और 10 और 11 तारीख को यही चंद्रदेव आपके एकादश से सर्वलाभम सब प्रकार से लाभदायक सिद्ध होंगे। आपके सो लाभ के स्थान पे चंद्रदेव चल रहे हैं, इसलिए लाभकारी समस्या एकादश से सर्वलाभम सब प्रकार से लाभ होगा, पैसे का भी लाभ होगा, वस्तु का लाभ होगा, सम्मान का लाभ होगा, सभी प्रकार से आने आपका मन प्रसन्न रहेगा और लाभकारी संस्कार बनने वाले, योजनाएं आपकी जो चल रही हैं वो सफल हो जाएंगी। जो आपने पुरातन काल से योजनाएं बना रखी हैं उसमें आपको अच्छा जो है सो मधुरता बनेगी। इस प्रकार से पूरे सप्ताह आपका मंगलमय बीतेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हरिओम।